अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल नंबर 16.2 ए परफॉर्म करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है सेटअप आर नैंड गेट बर्गुलर अलार्म। बर्गुलर अलार्म एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी थ्रेट को, ख़तरे को डिटेक्ट करती है और एक नॉइस प्रोड्यूस करती है। हम नैंड गेट की सर्किट डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ये नैंड गेट की सिंबल है। इनपुट ए जो है वो की वन के साथ, इनपुट बी जो है वो की टू के साथ कनेक्ट है। आउटपुट जो है वो वाई के बराबर है, वाई इक्वल है ए एंड बी नॉट के। मतलब जो एंड गेट है उसका ऑपोजिट होगा नैंड गेट। की वन की टू के दूसरे टर्मिनल्स जो हैं वो 5 वोल्टेज की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हैं, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आउटपुट वाई के साथ कनेक्ट है। सो अब हम नैंड गेट की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। ए इनपुट अगर हम जीरो देते हैं, मतलब की ऑफ रखते हैं, और बी इनपुट वन देते हैं, मतलब की ऑन कर देते हैं, तो वाई हमारे पास बराबर है ए एंड बी नोट के, मतलब ए एंड बी से जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसके ऑपोजिट के। ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू ए जीरो है, बी वन है, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन जीरो के बराबर है, और जीरो का नोट, जीरो का ऑपोजिट क्या है, वन। सो वन से क्या मुराद है, ऑन। तो एलईडी ऑन होगी। लॉजिक गेट्स के टेबल को मैंने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और उसको मैंने ऑन कर दिया स्विच को। सो अब मैं लॉजिक गेट का जो पावर ऑफ का स्विच है उसे ऑन कर रही हूँ। दो तरह की लाइट्स ऑन हो गई हैं। रेड लाइट जो है वो एलईडी की लाइट है जो आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है, और ग्रीन लाइट ये रिप्रेजेंट कर रही है कि गेट जो है वो सही से कनेक्ट है और ऑपरेट कर रहा है। सो ये हमारे पास नैंड गेट है जो कि एंड गेट का ऑपोजिट होगा। ठीक है, सो ये दोनों कीज हैं हमारे पास, की ए और की बी। इस वक्त दोनों कीज जो हैं वो ऊपर हैं। कीज ऊपर हैं मतलब कीज ऑफ हैं, और कीज अगर नीचे होंगी तो मतलब कीज ऑन होगी। सो दोनों कीज ऊपर हैं तो मतलब ऑफ हैं, तो दोनों की इनपुट जीरो है। जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, और जीरो के ऑपोजिट क्या होता है, वन। तो आउटपुट हमारे पास वन के बराबर आ रही है, एलईडी ऑन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। सो अब अगर मैं की ए जो है वो ऑफ रखूं, इनपुट जीरो दूं, और की बी जो है उसको मैं ऑन कर दूं, इनपुट वन दे दूं, तो जीरो इंटू वन जीरो के बराबर है, और उसके ऑपोजिट क्या आएगा, वन। सो आउटपुट अगेन हमारे पास वन आएगी और एलईडी ऑन होगी। सो ये देखें, मैंने की बी को क्या किया, ऑन किया, मतलब इसको नीचे किया, तो स्टिल हमारे पास एलईडी ऑन है क्योंकि आउटपुट हमारे पास वन के बराबर आएगी। ठीक है, सो अब हम जो है वो थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है उसमें की ए जो है वो अगर मैं ऑन करती हूँ, इनपुट वन देती हूँ, और की बी जो है वो मैं ऑफ रखती हूँ, इनपुट जीरो देती हूँ, तो वन इंटू जीरो अगेन जीरो, इसके ऑपोजिट क्या होगा, वन। आउटपुट वन आएगी, एलईडी अगेन ऑन होगी। सो मैंने की ए जो है उसकी इनपुट वन दी, मतलब की ए को प्रेस किया, ऑन किया, तो अगेन एलईडी क्या है, ऑन है। लास्ट में अगर मैं दोनों कीज को ऑन करती हूँ, दोनों कीज की इनपुट वन देती हूँ, तो वन इंटू वन वन के बराबर होगा, और वन के ऑपोजिट क्या है, जीरो। सो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी, मतलब एलईडी ऑफ होगी। सो आप देखें, मैंने दोनों कीज को ऑन किया, मतलब दोनों को इनपुट वन दी, तो एलईडी मेरे पास क्या हो गई, ऑफ हो गई। एलईडी किसके बराबर आई, जीरो के। तो अब हम एक बार थ्रू टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। नैंड गेट का जो थ्रू टेबल है एंड के ऑपोजिट होगा। अगर इनपुट ए जीरो, बी भी जीरो होगी, तो जीरो इंटू जीरो जीरो के बराबर है, तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, वन। एलईडी क्या होगी, ऑन। ठीक है, इनपुट ए अगर जीरो है, इनपुट बी जो है वो वन है, जीरो इंटू वन अगेन जीरो, तो ऑपोजिट क्या है, वन। एलईडी अगेन ऑन होगी। अगर इनपुट ए वन है, इनपुट बी जीरो है, तो वन इंटू जीरो जीरो, तो ऑपोजिट क्या होगा इसके, वन। एलईडी अगेन ऑन होगी। अगर इनपुट ए वन है, इनपुट बी भी वन है, तो वन इंटू वन वन, इसके ऑपोजिट क्या होगा, जीरो। एलईडी क्या होगी, ऑफ होगी। तो एलईडी ऑफ किस केस में होगी, जब दोनों इनपुट वन होंगी। सो अभी हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, थ्रू टेबल को डिस्कस किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है कि नैंड गेट की आउटपुट ऑफ कब होगी, आउटपुट जीरो के बराबर कब होगी, जब दोनों इनपुट वन होंगी, दोनों इनपुट ऑन होंगी।